हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना हॉकिंग ब्लॉग में। मैं आप लोग का आज दिखाऊंगा मैनुअल बैलून कैसे बनता है और कैसे टाँग जाता है बैलून को। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ बैलून कैसे तैयार होता है। देख सकते हैं ये इस टैंकी में ये सीट है, ये सीट टैंक माना जाता है। और ये जो टैंकी देख रहे हैं आप, ये गर्म पानी है, हॉट वाटर। उसके बाद आता है ये गोगलन, जो इसमें गोगलन है जो बैलून में चिपकता है गोम जैसा। उसके बाद ये लेट, ये गोम में गोगलन में डूबने के बाद, उसके बाद लेटेक में आता है रबर, जिसको जो बैलून बोलता है, जिस केमिकल से लेटेक बोलता है उसको। तो आप लोग देखिए इधर ये कैसे डूबता है ऑटो और मैनुअल, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ये टैंकी उठ रहा है। ये टैंकी अभी उठ रहा है और उठने के बाद ऑटोमेटिक ये नीचे जाएगा इसमें चिपक कर, देख सकते हैं। ये टाइमिंग है इसका, इस टाइमिंग के हिसाब से कितना सेकेंड ऊपर जाएगा उसके बाद ये टैंकी नीचे आएगा, देख सकते हैं आप। थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 30 सेकेंड का टाइम दिया है इधर। 30 सेकेंड के बाद ये टैंकी नीचे झरने लगेगा, तो वेट करते हैं 30 सेकेंड के लिए, देखते हैं। उसके बाद ये बैलून वो ओवन में जाकर बैलून बनता है, इसका बीडिंग कैसे बनता है वो मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए आप, ये टैंकी झरने लगा है नीचे, देख सकते हैं आप लोग नीचे होने लगा है। ऊपर टेक लग कर नीचे झरने लगा है टैंकी, देख सकते हैं आप लोग। ये बैलून का नाम है पंचबॉल, पंचबॉल। हाँ, तो पंचबॉल देख सकते हैं आप लोग कैसे बैलून बन के तैयार हो गया। इतना अच्छा डिजाइन दिया हुआ है बैलून का। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिए पूरा डूब गया है, चलते हैं अगले प्रोसेस के देखने के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखिए जो बैलून सब डूब के इधर आ गया है, जिसके हिसाब से चलता है ऑटो। देखिए ये सब बैलून बना हुआ है, बना हुआ है बैलून। इसके बाद मैं इधर दिखाऊंगा आप लोगों को, ये इधर से बैलून पुश करता है इधर से, जैसे आओ ये इधर ही ऑटो ले जाएगा मशीन के द्वारा, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, इधर ले जाने के बाद ये इधर आएगा, इसका जो होता है ना मुख बीडिंग वो बनेगा इसमें, इसका बीडिंग बोलते हैं, ये बीडिंग मुख ब्रश में ऑटो बनेगा। उसके बाद होते हुए ऑटो ये पुश करेगा, ये अंदर पुश करके अंदर जाएगा, ये ओवन है इसके अंदर जाएगा, सीधा अंदर जाएगा। वो इसमें गर्म है, गर्म अंदर होते हुए, ये अंदर होते हुए इसमें पकेगा ओवन के द्वारा। चलिए और अगला प्रोसेस दिखाता हूँ मैं, ऐसे ये मैनुअल तानते हैं, एक्टिव करता है बैलून ऑपरेटर द्वारा। तो चलते हैं उधर, देखिए ये बैलून जो अभी है ये पूरा पक के तैयार हो गया है ओवन के द्वारा, अंदर से आ गया है। ये दूसरा पुश
तीसरा मॉडल है ये बैलून का, पूरा पक के तैयार हो गया है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, बैलून इधर पक के तैयार होके ये ऑटो तानेगा इधर से, ये इधर आ रहा है। इसके साथ ही देखिए आप लोग देख सकते हैं, हाँ इसे तानता है ऑटो। ये जो है साबुन टैंकी है, इस साबुन टैंकी में अंदर बैलून में साबुन जाता है। इसके बाद ये पूरा मैनुअल ताना जाता है इधर, देखिए आप लोग ऑपरेटर कैसे तानता है बैलून को। इस तरह से बैलून बनाने का प्रोसेस इस तरह है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिल लेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।